आज फिर से कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ, अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूटी छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरे टॉप पिक्स। जितने मेरे पास अभी फिलहाल है उसमें से टॉप पिक्स मेरे अंडर 300 रुपीज बजट प्रोडक्ट्स, जो कि है ग्रूमिंग एंड आपके हेल्थ से रिलेटेड। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करिए, आपके कोई भी फीडबैक है या आपके कोई भी क्वेश्चंस है उसके साथ। बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है वीडियो तो प्लीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट भी करने का कंसिडर करिएगा। नाउ दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, एनी इंडिविजुअल, एंड ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कोई नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सबसे पहले हेल्थ के प्रोडक्ट से शुरू कर लेते हैं एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट अंडर 300 रुपीज इज समथिंग कॉल्ड सावरक्राउट। ओके, अभी जिन लोग को नहीं पता, ये कुछ ऐसे दिखता है, आपको क्लोजअप शॉट्स भी दिखेंगे। ये चीज़ है बेसिकली, इसके अंदर कैबेज होता है, जो मेरे पास है उसके अंदर कैबेज और कैरेट्स दोनों हैं। सो दिस विल एक्ट एज अ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड अ ह्यूज सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इट इज अ ग्रूमिंग प्रोडक्ट, ओके, एंड दैट इज बर्गमॉट एसेंशियल ऑयल। ठीक है, अभी जिन लोगों ने कभी भी बर्गमॉट यूज नहीं किया है, इट्स अ सिट्रस एसेंशियल ऑयल। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छी फ्रूटी, सिट्रसी, शार्प, लेमनी फ्रेग्रेंस आती है इसकी। सो वेयर कैन यू यूज दिस? यू कैन यूज दिस फॉर अरोमा थेरेपी, या फिर अगर आप कैरियर ऑयल में ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब इसका आप एक बियर्ड ऑयल भी बना सकते हो। बेसिक आपका जो आलमंड ऑयल हो गया और ये एसेंशियल ऑयल हो गया, ये मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हो। ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज कि ये जो एसेंशियल ऑयल है, जस्ट लाइक ऑल द अदर सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स, इज फोटोटॉक्सिक। मतलब इसको अगर आपने बियर्ड ऑयल की तरह यूज़ किया है एंड अगर सपोज मान लो आपने आलमंड ऑयल के अंदर 2-3 ड्रॉप ये डाल के बियर्ड पे लगा दिया है एंड फिर आप धूप में जाओगे तो आपके बियर्ड के बाल जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, या फिर अगर ब्राउन हैं तो वो वाइट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं नाइट टाइम के लिए यूज़ करता हूँ। दैट इज़ अ बेस्ट वे टू यूज़ सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स, जहाँ पे धूप का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं होता। सो आई जस्ट मिक्स 1 ड्रॉप ऑफ दिस विद माय एलोवेरा जेल एंड आई यूज़ दिस ऑन माय फेस एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बिकॉज ये जो है इट्स ब्रिलियंट फॉर योर स्किन, इट्स ब्रिलियंट फॉर योर हेयर। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अगेन ग्रूमिंग रिलेटेड एंड दैट इज रोज वाटर। अब ये जो है वो कांच की बॉटल में है। आई ऑलवेज प्रेफर कि जो भी चीज़ जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं या फिर कोई एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज बेटर टू बी स्टोर्ड इन ग्लास एम्बर कलर्ड बॉटल्स। तो ये एक चीज़ है, अगेन अंडर 300 बक्स, रियली रियली गुड। एंड जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग तो जानते ही, एलोवेरा, ब्लिस ऑफ अर्थ का एलोवेरा, पर्टिकुलरली बिकॉज 99% एलोवेरा है एंड बहुत ज़्यादा केमिकल्स कुछ भी नहीं डाला जाता इसके अंदर। बेसिक एलोवेरा जूस, जैंथन गम, मैलिक एसिड, दैट्स इट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अंडर 300 बक्स इज द लोरियल। आई नेवर थॉट कि मैं इस प्रोडक्ट को कहीं पे भी, अपार्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड वीडियो, सो अगर आपने इसका डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। द फैक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस ऑन माई हेयर, ओके, मैं स्कैल्प पे इसे लगाता हूँ, जब भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या जब भी मुझे ऐसे लगता है कि डेंसिटी कम हो रही है, एंड दिस manages to work really well, at least for me. Next जो product है वो है एक DIY के लिए, आपके घर में होना ही चाहिए अगर आप DIY करते हो, and that is glycerin. अब ये जो glycerin है, it is vegetable glycerin, ये कोई animal product नहीं है, and best part about this is कि ये unscented है और कोई भी इसके अंदर अलग अलग टाइप के chemicals और कुछ भी नहीं डाला गया है, ओके, इट्स जस्ट वेजिटेबल ग्लिसरीन। तो ये भी आपको जो है, इतना बड़ा बॉटल, ये कितना 250 ml का है, ये भी आपको 300 रुपीज़ के नीचे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए एक ग्लिसरीन बेस्ड DIY का एक वीडियो लाऊं जिसमें 2 या 3 रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड आई मेक दैट हैपन फॉर यू गाइज। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इन फॉर टुडे, जो आप के घर में होना ही चाहिए अंडर 300 बक्स, एंड दैट इज एप्सम सॉल्ट। ठीक है, ये मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट होता है। अब ये किस काम का है? दिस इज अ हेल्थ प्रोडक्ट, अगेन ये कोई स्किन पे लगाने वाली चीज नहीं है या फिर बालों में लगाने वाली चीज नहीं है। दिस इज टू बी यूज्ड बाय पीपल जिनको बॉडी एक्स होते हैं, जिनके बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, जिनको जो है वो क्रैम्प्स आते हैं, जिनको स्टिफनेस ऑफ मसल्स होती है, जिनको जॉइंट्स में पेन होता है। सो बेसिकली हाउ आई यूज इट इज, हम लोग जो है
एक बाल्टी लेते हैं, एक बकेट लेते हैं, उसके अंदर गर्म पानी डालते हैं एंड उसके अंदर एक मुट्ठी भर ये एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं और पैर अंदर डुबो के जितना भी टाइम वो पानी गर्म है उतना रहने देते हैं। वो 20 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, तो उससे होगा क्या? देखो, गर्म पानी आपका पोर्स खोलेगा, मैग्नीशियम सॉल्ट अंदर जाएगा, दैट विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इवन इफ यू हैव हेडेक्स, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत काम में आता है। तो अगेन, इतना बड़ा पैकेट आपको 300 रुपये से कम में मिल जाएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस काइंड एंड दीज आर द 7 प्रोडक्ट्स दैट आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई शो ऑन दिस सीरीज, ठीक है? ये episode 1 है। मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दूंगा एंड उसके बाद जो है आप अपना रिसर्च करके उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।